आखिरकार लंबे समय की खींचतान और पहले आप पहले आप की तर्ज के बाद हमीरपुर लोकसभा सीट से घोषित हुए कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल ठाकुर ने ऊना से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान जिले की पांचों विधानसभा से पार्टी के दिग्गज नेता उनके स्वागत में प्रदेश सीमा पर महतपुर में मौजूद रहे। हालांकि इसके बावजूद कार्यकर्ताओं की अधिक भीड़ नहीं दिखाई दी, दिग्गज नेता गुटों में बंटे नजर आए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए रामलाल ने बीजेपी पर चुनावी मुहिम के लिए धर्म और राम मंदिर को मुद्दा बनाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी को 2014 में किए गए वादों का जिक्र करते हुए किसान आत्महत्या, 15 लाख खातों में आने, काला धन वापस लाए जाने का भी जिक्र किया है कि जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों से बड़े बड़े वायदे किए थे, आज उनको याद करने का समय आ गया है। कहाँ पे 15 लाख रुपए काले धन का लाने की बात कही थी और लोगों के अकाउंट में डालने की बात कही है, वो पैसा कितने लोगों के खाते में गया? 2 करोड़ नौजवानों को सालाना नौकरियों का वायदा किया था, वो कितने नौजवानों को नौकरियां मिली? और साथ में जो हमारा किसान है, हिंदुस्तान में जो अन्न पैदा करने वाला है, आज वो आत्महत्या कर रहा है। इन 4.5 सालों में 5 सालों के अंदर जितनी आत्महत्याएं हिंदुस्तान में हुई, शायद मैं कहूंगा कि सारे के सारे आंकड़े जो है वो आप लोगों के सामने हैं। रामलाल ठाकुर ने बीजेपी पर भगवान राम को पिछले दरवाजे से बाहर किए जाने का आरोप लगाया है और चुनाव के लिए राम का सहारा लिए जाने की बात कही है। रामलाल ने सेना और पैरामिलिट्री को देश का भाग बताते हुए बीजेपी नेता द्वारा इसका गलत प्रयोग किए जाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद और बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर पर तीखा हमला करते हुए उन्हें बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के कारण का खुलासा किए जाने को कहा है। हालांकि वो अनुराग को छोटा भाई कहने से भी नहीं चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी धर्म का सहारा लेके भगवान रामचंद्र जी को पिछले दरवाजे से बाहर निकाल के आज चुनाव की बेतरनी नदी को पार करना चाहते हैं। सेना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे पैरामेडिकल फोर्सेज महत्वपूर्ण है। जो बलिदान भारतवर्ष के लिए दे रहे हैं वो मैं कहूँगा कि भारतवर्ष की एकता और अखंडता के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन आज की स्थिति में जो हमारी सारी जितनी कठिनाइयाँ हैं उनको भुला के केवल मात्र चुनावों को जो है प्रभावित करने के लिए केवल मात्र हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई को आगे लेके आ रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।